वाइफ की तरफ से ये मेरा बर्थडे गिफ्ट, ये हस्बैंड लिखवाया, एंड देयर शी इज। और मैं अभी खाने जा रहा हूँ, टेस्ट करके देखते हैं कैसे हो रहा है मेरा मटन। सो सकल से आपको कैसा लग रहा होगा ये मटन? बहुत ही यम लग रहा है अभी, एंड इट्स सो डिलीशियस। क्या बात। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा बर्थडे है और मैं अभी जा रहा हूँ मेरा गिफ्ट रिसीव करने। मैंने कुछ मेरे वाइफ ने कुछ ऑर्डर किया था मेरे लिए ऐसे बर्थडे गिफ्ट, सो उसको पिक करने जा रहा हूँ। और उसको पिक करने के बाद मेरा एक फ्रेंड है, उनको भी साथ में लेके जाऊँगा, थोड़ा सा मार्केट जाऊँगा। और मैं आज बनाऊँगा मटन स्पेशल। सो बर्थडे के दिन कुछ अच्छा खाना, घर का खाना हो जाए, क्योंकि कल रात हमने खाना खाया था बाहर का, तो तबीयत थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैंने प्लान किया कि आज बनेगा मटन। पार्सल जो है गेट पे आ चुका है, सो उसको मैं रिसीव करने जा रहा हूँ। और ऑन द वे है मेरा फ्रेंड जो मेरे लिए वेट कर रहा है, तो हम दोनों पार्सल को पिक करके और चले जाएंगे मार्केट। ये है आपका नज़ारा। सो हम यहाँ से मेरे रूम से मैं बाहर जा रहा हूँ। सो मेरा फ्रेंड जो है अपने बेटे के सर वेट कर रहा है। ओह क्या बात है। आ जाओ सर, आ जाओ। देवांश, हाँ कैसे हो? अच्छा। ये देवांश है, जब पापा को बैठने दो, आराम से बैठ जा पहले, इसको तो पीछे रख दो। किस खुशी में गया था? बस मेरे को जाने नहीं दे रहा था, मैं भी चलना है, वहीं चल। हम लोगों की तो ड्यूटी है ही ना। अच्छा आपका ड्यूटी है। इसको क्या छोड़ने जा रहा था क्या? नहीं, इसको मैं क्या रूम पे ही चलूं पंच करके, मैंने अभी आता था तो है नहीं। मेरा पार्सल जो है आ चुका है अभी, सो मैं पार्सल रिसीव कर लेता हूँ। साइज एक बार दिखाना, कौन सा साइज है? स्पेस क्या दिखाना? हाँ 9 UK। ठीक है। सो पार्सल को मैंने रख लिया अभी, अभी मैं जाता हूँ मटन लेने। मटन लेने चलते हैं अभी। चांद भाई चलोगे अचरोन? नहीं चलो, बराबर ही पड़ता है दोनों। क्या खा रहे हो तुम? कॉटेज खा रहे। चॉकलेट खा रहे हो? ये हम चांदबाजी मार्केट पे आ गया, छोटा सा मार्केट है, तो यहाँ पे देखते हैं कहीं मिलेगा क्या। छोटी सी मार्केट है और गांव की मार्केट है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ चॉइस वगैरह कुछ मिलेगा नहीं। सैड पार्ट इज दैट हमें मटन नहीं मिला, सो हमें दूसरी जगह ट्राई करना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं अचरोल, तो अचरोल में अगर अचरोल में मिलने का चांसेस होता है, अचरोल में 100% पक्का हमें मटन मिल जाएगा, तो हम जा रहे हैं अभी अचरोल। तो अभी मुझे वापस जाना 10 किलोमीटर वापस जाना है। कितना मेहनत करना पड़ता है कुछ खाने के लिए भी। चिप्स खा रहे हो? हाँ। देख रहे हो, खुद को देख रहे हो? क्या खा रहे हो देवांश? चिप्स। बाबा भेड़। ये साला भेड़ कहाँ से आ गया? वाह। हाँ हाँ
अभी हम आ गए अचरोल। ये भी एक छोटा सा गांव है, तो अभी रास्ता साला ये प्रधान कुछ नहीं करता है बोला, देख रहे हो बोलते ना पंचायत में सोकर खराब हो गया। अगर आप पहाड़ के ऊपर देखोगे तो आपको एक फोर्ट दिखाई देगा, वो है अचरोल फोर्ट। बहुत पुराना किला है और वहाँ पे मैं एक बार जा चुका हूँ, इससे तब मैंने कोई ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी देखते हैं कब मौका मिलता है वहाँ जाने के लिए। ऐसे देखने में नज़दीक है लेकिन बहुत दूर है। मटन लेने आया था और अभी मटन का सभी कट ही रहा है, तो इसके स्किनिंग चल रहा है, सो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, हाफ एन आवर। सो मैं हाफ एन आवर वेट कर लेता हूँ ताकि मुझे फ्रेश वाला मटन मिल जाए। मैं तो बोल रहा था कि अगर आपको हाफ किलो जैसे चाहिए होगा तो कल रात का मिल जाएगा, तो कल रात वाला मुझे चाहिए नहीं, मुझे फ्रेश वाला चाहिए। सो मैं हाफ एन आवर वेट कर लेता हूँ, इन्ना मिनटा में एक दो सामान भी ले लेता हूँ ताकि मैं इसका स्पाइसेस वगैरह ले लेता हूँ, सो डेट आई कैन यूज इट इन माई मटन। सो गाइस मुझे मटन मिल गया, मैंने हाफ किलो मटन उठा लिया, फ्रेश मटन, और आज बर्थडे स्पेशल पे मटन ही बनेगा। सो अगर आपको मेरा रेसिपी जानना है तो आप मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा वहाँ पे मैं किस स्टाइल से मटन बनाता हूँ। फाइनली हम अंदर आ गए, अभी हम सर को छोड़ने जा रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे अपना घर। चलो डिवांस बाय बाय, बाय बाय बोल दो यहाँ पे एक बार, बाय। वेलकम, ठीक है सर, मिलते हैं। सो अभी मैंने सर को छोड़ दिया और अभी मैं जा रहा हूँ अपना घर, और अभी घर जाके मैं दो तीन चीज़ें करना है। एक केक कटूँगा, वाइफ को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पे लेके वीडियो कॉल करके मैं केक कटूँगा, उसके बाद आई विल कुक मटन। सो मटन बना के मैं आपको दिखाता हूँ। मसाला मटन और एक गिफ्ट, सो गाइस ये मेरा केक है, इसमें हस्बैंड लिखवाया एंड देयर सी इज। यही होगा अगर आप लोग शादी के बाद एक साथ नहीं रहोगे तो ऐसे ऑनलाइन ही आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ेगा। सो हाईली रिकमेंडेड कि शादी के बाद एक ही जगह पे जॉब करें और ट्राई टू स्टे टुगेदर। फूक दो अभी, इसको रख लो ना। किसको? रखो। हाँ। ओ। तो रखो ना। देखा। तो रखो। ये आ गया केक। So there goes my baby. So birthday celebration हो गया। और wife ने मुझे एक shoes gift किया था, मैं आपको वो gift दिखाता हूँ अभी। Wife ने क्या gift दिया मुझे? हाँ, सो ये है मेरा एडिडास का नया शूज, तो वाइफ ने गिफ्ट किया मुझे, और इसको मैं पहनूंगा जब भी मैं बाहर जाऊंगा। तो सो वाइफ की तरफ से ये मेरा बर्थडे गिफ्ट, ये। सो गाइस मेरा मटन बन चुका है और मैं अभी खाने जा रहा हूँ, टेस्ट करके देखते हैं कैसा हो रहा है मेरा मटन। सो शक्ल से आपको कैसा लग रहा होगा, ये मटन बहुत ही यमी है और मैंने काफ़ी सारे स्पाइसेस लगाए इसको, और साबुत वाला स्पाइसेस और रेड चिलीज वगैरह मैंने लगाया, बट नॉट द पाउडर चिली। और अभी खा के टेस्ट करते हैं।
कैसा हो रहा है? बहुत ही यम लग रहा है अभी एंड इट्स सो डिलीशियस. बहुत ही यम एंड बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है. क्या बात, नमक एकदम परफेक्ट है, इतना भी तीखा ज़्यादा नहीं है. और आपको यहाँ पे काली मिर्च का जो टेस्ट है ना वो आपको ज़्यादा मिल रहा है एंड लहसुन का भी खुशबू आ रहा है यहाँ पे. और जो मसाला मैंने आज लेके आया था मार्केट से, दैट मसाला इज एडिंग मोर टेस्ट टू इट. वाह, सो यम्मी. सो गाइस, आज मैं ब्लॉग को यही ख़त्म कर लेता हूँ. टिल देन आई विल कम अप विथ अनदर ब्लॉग. मैं कुछ और नया टॉपिक पे लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि एवरी सैटरडे संडे एक ब्लॉग अपडेट हो जाए. एवरी सैटरडे एक ब्लॉग और संडे एक ब्लॉग, दो ब्लॉग. यानी बोला हफ्ते में मैं दो ब्लॉग या इससे भी ज़्यादा मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ दो, मिनिमम दो ब्लॉग्स में अपडेट करने की कोशिश करूँगा. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.